हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अब्रॉड की। तो होप करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ये यूके के अंदर जो डिपेंडेंट वीज़ाज़ हैं ये बंद होने वाले हैं या इनके अगेंस्ट जो भी अभी न्यू पॉलिसीज़ आ रही हैं गवर्नमेंट की, तो आज हम वही सब डिस्कस करेंगे। तो इन सब को लेकर के मैंने एक पूरे के पूरे मतलब 2-3 आर्टिकल्स जो अभी आए हैं न्यू रूल्स को लेकर के डिपेंडेंट वीज़ा, आज हम वो देखते हैं वीडियो से और हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम डिपेंडेंट जो वीज़ाज़ हैं वो मतलब नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, यही वाली सेम रूल जो अभी लास्ट 2 साल से चल रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट मैंने जो वीडियोस डाली थी, काफ़ी सारे लोग उसमें पूछ रहे थे कि स्पॉन्सरशिप मिल जाती है क्या यूके के अंदर, हाँ हम वो डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट वीज़ा तो नहीं बंद हो रहे हैं और रिसेशन आने वाला है, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे मेरे पास कमेंट्स में थे, तो आज हम उन सब के आंसर इस वीडियो में मतलब चेक करेंगे आर्टिकल्स के थ्रू भी और डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि मतलब मोटिवेशन मिले आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए यहाँ पर जो भी अभी करंट सिचुएशन है यूके के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, मिस मत करना, ताकि मतलब अगर कुछ अब मिस हुआ तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मे बी इशू हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो में अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी लास्ट जो न्यू होम सेक्रेटरी है यूके की, तो उन्होंने काफ़ी काफ़ी एनालिसिस किया लास्ट 2 साल का जो ट्रेंड था इमिग्रेशन में, जो डिपेंडेंट वीज़ा से रिलेटेड और जितना भी मतलब क्योंकि इकॉनमी में काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब अभी लो फील हो रही है यहाँ पर यूके की, तो मतलब करेंसी भी उतनी अच्छी नहीं है और आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है, तो वो सब चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने बोला था कि मैं ये जो ट्रेंड्स हैं, ये डेटा जो लास्ट 2 ईयर का है, तो वो सब एनालिसिस करने के बाद उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए। उन्होंने बोला कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं जो भी मतलब आ रहे हैं जिस भी कंट्रीज से, तो उनको मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे रूल्स, और मे बी डिपेंडेंट वीज़ा को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी मतलब कुछ कहा। तो आज हम वो ही डिस्कस करते हैं। तो ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि जून 2022 में 486 जो स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट वीज़ा हैं वो ग्रांट किए गए हैं, जो लास्ट 2 साल से 71% बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि जो और इनके ऊपर जो डिपेंडेंट वीज़ाज हैं वो 81,000 है, तो लास्ट 2 ईयर्स में मतलब 5 लाख से अबव जो कंबाइंड है स्टूडेंट और जो डिपेंडेंट वीज़ा वो बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने यही बोला कि इसकी वजह से मतलब यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तो बूस्ट मिल ही रहा है इकोनॉमिकली, और यहाँ पर जो पैसा जो हमारे इमिग्रेंट्स लोग हैं वो लेकर आ रहे हैं, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस करी हैं इसी आर्टिकल के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जून 2022 तक जो इन्होंने डेटा अभी यहाँ पे ट्रेंड जो एनालाइज किए हैं वो ये है कि 71% जो है वीज़ा जो स्टडी वीज़ा है वो मिले हैं लास्ट 2 साल के अंदर ये ब्रेग्जिट होने के बाद, और उसके साथ 81,000 जो हैं वो आपके जो है डिपेंडेंट वीज़ाज हैं जो स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स हैं जो भी उन्होंने मतलब यहाँ पर यूके में आगे किया है। तो इससे आप देख सकते हैं जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं ये माइग्रेट जो है वो स्किल्ड, और इन्होंने जो निकाली थी वो यही सोच के निकाली थी कि जितने भी स्किल्ड और हाई स्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो यूके के अंदर आए हैं इकॉनमी में, उनका मतलब एक बूस्ट मिले यूके की को, लेकिन उसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पर यही पता चल रहा है कि यही बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट और जितने भी फीस और जो भी यहाँ पर एक्सपेंसेस कर रहे हैं उससे काफ़ी सारा जो पैसा है यूके की इकॉनमी में आया है। बट जो इशू इनको हो रहा है वो ये हो रहा है कि नाइजीरिया से जो भी लोग हैं वो 34,000 जो स्टडी वीज़ा पे ऊपर आए हैं उसी के इक्विवेलेंट 32,000 डिपेंडेंट्स भी आए हैं उनके साथ, और इंडिया से जो
93,000 स्टूडेंट वीज़ा जो उन्होंने दिया है उनके साथ 24 या 25,000 अप्रॉक्सीमेटली डिपेंडेंट भी आए हैं। तो इससे आप देख सकते हैं जो इंक्रीज़ है वो लास्ट 2 साल में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इनके जो रिपोर्ट्स थी उस रिपोर्ट्स के हिसाब से इनको 2030 तक 6 लाख इमिग्रेंट चाहिए थे जो 2 साल में ही पूरे हो गए हैं। तो जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ऑन एन एवरेज जो वो यहाँ पर यूके के अंदर जो टैक्स और एनआई कंट्रीब्यूशन करते हैं वो डिपेंडेंट्स की तरफ से बहुत कम है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है यहाँ पर यूके के लिए ये जो कह रहे हैं। तो इनको यही सब चीज़ें मतलब होना चाहिए कि जो भी डिपेंडेंट आए वो स्किल्ड हो, ठीक है, तो उस वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इकॉनमी के अंदर मतलब कंट्रीब्यूट करे, ना कि इकॉनमी का यूटिलाइज करे और कंट्रीब्यूशन बिल्कुल कम हो। तो एक तो ये चीज़ हो गई। और जो न्यू आर्टिकल आया आप ये देख सकते हैं जो इन्होंने कराया कि जो रूल्स हैं जो कैपिंग करेंगे वो डिपेंडेंट फॉरेन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, वो अभी के लिए डिसीजन फाइनलाइज्ड अभी हुआ नहीं है बट इन फ्यूचर ये हो जाएगा। तो आप सकते हैं इन्होंने जो न्यू रूल्स निकाले हैं वो यही निकाला है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी यहाँ पर बैचलर्स और मास्टर्स करने आ सकते हैं वो अपने साथ मे बी 1 डिपेंडेंट ही लेके आ सकते हैं, और जो भी यहाँ पर यूके के अंदर पीएचडी करेगा वो अपनी वाइफ और एक अपने बच्चे को लेकर आएगा। लेकिन अभी के केस में क्या हो रहा है, कोई कोई एक स्टडी वीज़ा के ऊपर 5-5, 6-6 डिपेंडेंट्स यहाँ पर यूके के अंदर आ रहे हैं जिसकी वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं। तो वो जो डिपेंडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं वो अनस्किल्ड है। तो मतलब एक बैलेंस होना चाहिए बट अभी के केस में वो जो मोर अनस्किल्ड वाली चीज़ हो रही है कि मोर अनस्किल्ड हैं या जिसकी वजह से फिर वो इलीगल इमिग्रेशन और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये अगर आप देख सकते हैं ये जो न्यू रूल्स के हिसाब से तो यही है यहाँ पर। तो आज हम वही चीज़ डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ें तो अभी बात चल रही है तो लेकिन अभी ये सब फाइनलाइज नहीं है बट हाँ ये उन्होंने प्रपोज किए हैं अभी फाइनलाइज नहीं है। तो जो नेक्स्ट जो बिग इश्यूज जो आ रहे हैं कि जनवरी इनटेक में स्टूडेंट जो वीज़ाज हैं वो उनको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी कोई कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कंक्लूडेड नहीं है। तो स्टूडेंट वीज़ा अभी नेक्स्ट ईयर के लिए जनवरी के लिए अभी सक्सेसफुली यहाँ पर मिल रहे हैं, ऐसा अभी उसके ऊपर कोई चेक नहीं लगाया, कोई रूल्स नहीं लगाए हैं। तो वो एक जो चीज़ है। और जो नेक्स्ट जो चीज़ है कि इकॉनमी यहाँ पर कैसी है, तो हाँ अगर आप आईटी नर्सिंग से रिलेटेड जॉब्स में थे मतलब अपनी होम कंट्री में तो उनके लिए अभी भी बेनिफिट है क्योंकि उनकी डिमांड अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और स्किल्ड वर्कर्स की कमी है। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इन्होंने किया है कि जो इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं वो रिलैक्स किए हैं, वो फॉरेन जितने भी हैं वर्कर्स के लिए किए हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स आकर काम कर सकें। तो आज की जो वीडियो थी गाइस मेरी यही वीडियो थी कि डिपेंडेंट वीज़ा के लिए जो अभी न्यूज़ आई है ये काफ़ी मतलब स्ट्रेंज है और स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो उन्होंने स्ट्रॉन्गली बताया है ये रूल्स हैं प्रपोज्ड हैं, तो मतलब गवर्नमेंट अभी सब चीज़ें मतलब देख रही है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उसके बेसिस पे अब वो एक्शन लेने वाली है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।